बिहाइंड दिस सिनेमा। यार फिल्में देखना किसे पसंद नहीं है, मुझे, आपको, और बॉलीवुड ने हमें इतने सारे क्लासिक मूवीज दिए हैं कि हर मूवी के पीछे ना कोई कहानी तो जरूर है। हाय दिस इज समी एंड यू आर लिसनिंग टू वंस अपॉन अ टाइम इन सिनेमा, जहां हम बॉलीवुड की कुछ फिल्मों के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में, कुछ ऐसे ट्रिवियाज या फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो शायद समय के साथ ना पीछे रह गए। और आज हम जाने वाले हैं वहां जहां एक दिलवाला अपनी दुल्हनिया को ले जाने आया है। 28 साल का राज और 28 साल की सिमरन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जहां पर एक बहुत ही प्रिटी अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड ऑफ रोमांस सेट किए गए थे, जो कि शायद आदित्य चोपड़ा की जिंदगी में ही पॉसिबल है, हमारी जिंदगी में तो शायद नहीं। लेकिन आपको पता है, ये फिल्म जब इनिशियल टाइम पे थी तो इस फिल्म में एक्चुअली आदित्य चोपड़ा कास्ट करना चाहते थे टॉम क्रूज को, जिसके बारे में काफी बार हमने कहीं ना कहीं फैक्ट्स में पढ़ा है। एंड इस फिल्म का टाइटल वॉज सपोज टू बी द ब्रेव हार्ट विल टेक द ब्राइड, बट आदित्य चोपड़ा के पापा यश जी को इस पूरे आइडिया में कुछ लॉजिक नजर नहीं आया। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं इसे जरा भी सपोर्ट नहीं करने वाला। देन दिस फिल्म वॉज ऑफर टू सैफ अली खान, जिन्होंने भी इस फिल्म को टर्न डाउन कर दिया, कहा मैं भी नहीं। अब लेटर ऑन ये फिल्म पहुंची शाहरुख खान के पास, क्योंकि काजल का रोल डिसाइडेड था। ऑल वी नीड वॉज अपना शाहरुख, अपना राज। एंड बैक इट 90s के बारे में अगर हम बात करें ना फिल्म के टाइटल के बारे में, तो अब जब शाहरुख खान को लीड रोल में रख रहे हैं तो फिल्म का टाइटल द ब्रेव हार्ट विल टेक द ब्राइड ये तो नहीं रख सकते ना। तो उस जमाने में फिल्म का टाइटल बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल हुआ करता था, बाजीगर दिल घायल। एंड फिल्म में अनुपम खेर साहब, जो कि धर्मवीर मल्होत्रा का किरदार निभा रहे थे, जो कि राज के पापा का रोल निभा रहे, तो इनको फिल्म के टाइम पे सपोर्ट करने आती थी किरण खेर, जो उनकी वाइफ है। जब फिल्म अपने इनिशियल टाइम में थी, स्टार कास्ट डिसाइड हो चुके हैं, फिल्म का प्लॉट डिसाइड हो चुका है, व्हाट ऑल वी नीड इज फिल्म का टाइटल, तब किरण जी ने सजेस्ट किया था कि कुछ अलग करते, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ ऐसा ही कर देते, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म का टाइटल सजेस्ट किया था फ्रॉम द मूवी जो 1974 में आई थी, चोर मचाएंगे शोर, या चोर मचाए शोर। इस फिल्म के टाइटल में एक गाना था फिल्म के अंदर, ले जाएंगे बस, यहाँ से इस फिल्म का टाइटल जो है वो डिसाइड हुआ। चोपड़ा साहब ने कहा कि बस फाइनलाइज करते हैं, हम इस फिल्म का टाइटल दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे DDLJ ही रखने वाले। अब बारी आती है फिल्म के एल्बम की। अब फिल्म के एल्बम में इतने सारे गाने क्रिएट किए गए थे कि आनंद बख्शी साहब एक्चुअली काफी परेशान हो गए थे, क्योंकि यश जी कोई गाना अप्रूव ही नहीं कर रहे थे। एंड मेरे ख्वाबों में जो है ये इस फिल्म का पार्ट बन चुका था ओरिजिनल सॉन्ग्स में से, बट वो जो गाना है मेहंदी लगा के रखना। अब बॉलीवुड ने हमें इतने सारे शादी के गाने, हर छोटे से बड़े फंक्शन के गाने, मेहंदी हल्दी हर एक हैप्पी ओकेशंस के इतने सारे गाने दिए हैं ना, कि मेहंदी लगा के रखना जो गाना है वो एक्चुअली DDLJ का पार्ट था ही नहीं, वो किसी और प्रोजेक्ट के लिए डिसाइड हुआ था। बट फिल्म को देखते हुए और फिल्म का प्लॉट देखते हुए यश जी को लगा ठीक है ना, जहाँ इतने गाने ऐड हो रहे हैं वहाँ ये गाना भी सही, ये भी डाल देते हैं। एंड काजल वॉज सो स्केर्ड ऑफ शेकिंग लेग्स इन जस्ट अ टावल, वो जो गाना है मेरे ख्वाबों में जो आए, इस गाने में फिर लगा कि नहीं यार, जब चोपड़ा साहब ने इतना कुछ डिसाइड किया तो कुछ सोच के किया होगा, लेट्स ट्रस्ट द क्रिएटर एंड मूव ऑन। बस क्या था, अब वो गाना आज भी आइकॉनिक सॉन्ग है, आज भी बारिश होती है और आप भीगते हो तो आपको ये गाना डेफिनेटली याद आता है। बट कमिंग बैक टू द मोस्ट आइकॉनिक एंड एवरीवन्स फेवरेट सीन फ्रॉम द मूवी वाज कबूतरों को दाना डालना, जहां अमरीश साहब और शाहरुख खान दोनों बैठकर बातें कर रहे हैं और वो आओ आओ ना। द फैक्ट इज ये जो पूरा सीन है ना, दिस वाज नॉट डिसाइडेड, द होल सीन एक्चुअली, ये सब कुछ इम्प्रोवाइज किया गया है, सब कुछ, लाइक कबूतरों को डालना डालना, वो बातें करना, कैमरा ऑन हो चुका था एंड वो भी इत्तेफाक से ऑन हुआ था और ये लोग बातें कर रहे थे और वो आओ आओ वाला चल ही रहा था। अब ये आप अमरीश पुरी को ब्लेम करो या शाहरुख खान को फॉर सेटिंग अप सच अ मेमोरेबल सीन, लेकिन वही वो टाइम था जहां पे वो एक्चुअल में अच्छे दोस्त बन गए थे। और सबसे खास बात इस मूवी की जो आज भी लोगों को याद है कि मुंबई में एक सिनेमा हॉल है, मुंबई मराठा मंदिर,
इस सिनेमा हॉल में आज के डेट तक यानी आज भी सुबह 10:30 का पहला शो इज DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कभी मुंबई जाओ तो देखाना, बड़े पर्दे पर DDLJ देखने का एक अलग एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। टिल देन दिस इज मी साइनिंग ऑफ। अगले हफ्ते फिर एक फिल्म की कहानी के साथ मैं आपको मिलूंगी। अगर आपके पास कोई कहानी है तो डू लेट अस नो, रेडियो ऑलिव के इंस्टा हैंडल्स पे आ सकते हो आप। एंड टिल देन दिस वॉज बिहाइंड द सिनेमा। जियो बिंदास बिहाइंड दिस सिनेमा।